हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारे जो अभी पेडागोजी की क्लासेस चल रही है, तो अभी कंटेंट काफ़ी रेडी हो रहा है, तो बीच बीच में मैं सारे जो सिलेबस से रिलेटेड है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए एंड पीआरटी के लिए, वो वन बाय वन कवर करती हुई चल रही हूँ। तो पीजीटी वाले स्टूडेंट्स अपने से रिलेटेड कंटेंट कलेक्ट कर लें और टीजीटी एंड पीआरटी अपने से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा और अधिगम। लर्निंग तो आपको पता ही है, इतने सारा हम अपनी साइकोलॉजी पेडागोजी की क्लासेस करते हुए चल रहे हैं, तो लर्निंग का मतलब तो आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक पता ही है कि होता क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, कोई भी चीज़ सीखना, सीख के अपने बिहेवियर में चेंज करना, इट्स कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है, मतलब मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो आपको अंदर से लाइक किसी भी काम के लिए आपको रेडी करे, कोई काम करने के लिए। मान लीजिए आपको क्या चीज़ है, भूख लगी है, ठीक है, तो आपको खाना खाना है, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपकी भूख मोटिवेट करेगी ना, कि आपको खाना क्यों खाना है, अपनी भूख शांत करने के लिए। तो आप रेडी हो खाना खाने के लिए, क्यों रेडी हो, क्योंकि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, आप अपनी प्यास को शांत करने के लिए रेडी हो पानी पीने के लिए, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए जब आपको अंदर से मोटिवेशन मिले या बाहर से मोटिवेशन मिले, मतलब आपको एक प्रॉपर वे में रेडी किया जाए, आप रेडी हो किसी काम को करने के लिए, वो होता है आपका मोटिवेशन। अब वो आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, उस पर अभी हम बात करेंगे जब टाइप पर आएंगे। तो वो जो मोटिव्स होते हैं आपके, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक कि आपको किसी भी काम के लिए जब रेडी होना पड़े, किसी भी काम के लिए आप तैयार हो करने के लिए, वो मोटिवेशन होता है, ठीक है। और अभी जो हमारा मोटिवेशन वर्ड है, वो जो वर्ड दिया गया है मोटिवेशन, वो लैटिन भाषा, ये जो मोटिवेशन है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, हाँ, जो आपके मोफ री से निकल कर निकला है, ठीक है। यानी कि इससे लैटिन भाषा में इससे निकल के क्या बना है आपका मोटिवेशन, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी भी काम के लिए एक प्रॉपर वे में रेडी करना, एक ऐसे मोटिवेट करना कि आप उत्तेजित हों किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं साइकिल मीन्स अभिप्रेरणा का चक्र क्या है, साइकिल क्या है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को कोई काम दिया करने के लिए, ठीक है, उस बच्चे ने वो काम सुना, आपने बोला कि एक प्रोजेक्ट बना के लेकर आइए रिलेटेड पोल्यूशन, ठीक है, एक प्रोजेक्ट रेडी करिए। तो बच्चे ने क्या है, वो सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो कोई इसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं हुआ, आपने काम दिया, बच्चे ने सुना, शायद कर दिया और शायद नहीं भी करा। लेकिन अगर आप किसी वे में उसको मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट कैसे करोगे, आपने बोल दिया कि जो बच्चा पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के लाएगा और ज़्यादा अच्छा होगा, कलरफुल होगा, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा होगा, ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, तो मैं उसको बाहर घुमाने लेके जाऊँगी या चॉकलेट दूंगी। तो आपने क्या किया, बच्चे को किसी काम को करने के लिए उत्तेजित किया, मतलब आपने किसी काम के लिए, किसी काम को जब आपको करवाना है तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन दे दिया, कुछ पुनर्वलन जो बोलते हैं ना, रेनफोर्समेंट, वो चीज़ आपने वहाँ पे रख दी कि ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो। तो आप इस टाइप का रेनफोर्समेंट बच्चों को दे सकते हैं, आर्टिफिशियल रेनफोर्समेंट हो सकता है ये। और बच्चों को मोटिवेशन किस किन थ्रू मिल सकता है, खुद के थ्रू भी मिल सकता है, टीचर के थ्रू भी मिल सकता है, फैमिली के थ्रू भी मिल सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकता है, बच्चे को कोई भी रेडी करवा सकता है काम करने के लिए, ठीक है। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप बच्चे को मोटिवेट किस रूप में कर रहे हो। आप बच्चे को इस रूप में मोटिवेट कर रहे हो कि वो इस काम को कर दे, उत्तेजित हो, एक्साइटमेंट बढ़े बच्चे की कि हाँ ये वाला काम तो मुझे करना ही है, क्या सारे काम छूट जाए लेकिन ये वाला काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसको करने के बाद मैम मुझे बाहर घुमाने लेके जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया आपने, बच्चे को किसी ना किसी थ्रू मोटिवेट कर दिया, आर्टिफिशियल रेनफोर्समेंट के थ्रू या फिर कोई ना कोई एक कंडीशंस रख के। ठीक है, अब बात करते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन। एक साइकिल क्या होता है, चक्र क्या होता है, मतलब कैसे आप मोटिवेशन देते हो क्लासरूम में। अगर आप मोटिवेशन दे रहे हो या वैसे भी किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो वो किस सीक्वेंस में चलता है। ये मोटिवेशनल साइकिल, इसमें सबसे पहले होती है आपकी नीड। आपकी नीड होगी तभी आप किसी चीज के लिए मोटिवेट होंगे ना। बच्चा सारे काम को छोड़कर एक काम पे क्यों फोकस कर रहा था कि मैम ने पोल्यूशन का असाइनमेंट बनाने के लिए दिया है या प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी नीड है कि उसे बाहर घूमने जाना है। ठीक है, तो जब तक आपको नीड नहीं मिलेगी ना तो आप किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे। नीड के बाद आपको क्या मिलता है? नीड के बाद आपको मिलता है ड्राइव। नीड के बाद जो आपका सर्कल घूमा वो घूमा ड्राइव पे, मतलब आप अपने थ्रू क्या चीज ड्राइव करोगे। ड्राइव का मतलब हिंदी में होता है प्रबलन, प्रेरणा। मतलब आपको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है या कहाँ से आप मोटिवेशनल गेन कर रहे हो ताकि आप ड्राइव में आओ, काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्टिमुलस। याद होगा आपको जब मैंने थ्योरीज पढ़ाई थी ना, आपकी ट्रायल एंड थ्योरी थ्रॉनडाइक की और स्कीनर की और पैवलोन की, तो उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ किए थे मैंने। नीड होनी चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, उसके बाद स्टिमुलस। स्टिमुलस आपको प्रोवाइड होना चाहिए जिसके लिए आप उत्तेजित हो काम करने के लिए। थ्योरी के अंदर मैंने क्या बताया था, जब एक हंगर बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा जाता है तो उसको ऐसे स्टिमुलस क्या चीज़ रखी गई थी, उसके सामने खाना रखा गया था। अगर आप किसी भूखी बिल्ली के सामने खाना रख दोगे, दूध रख दोगे, तो वो क्या होगी, किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगी, मोटिवेशन मिल गया उसको, वो इधर उधर हाथ पैर मारेगी, पिंजरा खोलने के लिए ट्राई करेगी। तो इसीलिए मोटिवेशन के लिए भी पहले आपकी नीड होनी चाहिए, ड्राइव मिलना चाहिए, आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, देन आपको स्ट्रीमलेस मिलना चाहिए कि मुझे किस चीज़ के लिए मुझे रेडी होना है, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है। ठीक है, देन आपका स्ट्रीमलेस। उसके बाद आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब स्ट्रीमलेस के बाद आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, जब आपको पता चल गया कि मतलब उस बिल्ली को क्या पता चला था कि मैं भूखी और मेरे सामने कैट रख दी, मेरे सामने खाना रख दिया है तो मुझे खाना प्राप्त करना है अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी कि उसे स्टिमुलस प्रोवाइड करा दिया गया। देन उसने क्या किया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल को अचीव करने के लिए यानी कि खाना प्राप्त करने के लिए बिहेवियर में आ गई। क्या किया, इधर उधर हाथ पैर मारने स्टार्ट किए, पिंजरा खोलने के लिए कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था बिल्ली के साथ कि जब उसने इधर पे उधर हाथ पैर मारने के लिए ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, तो एकदम अचानक क्या हुआ, उसका ट्रिगर पे पैर लगा और पिंजरा खुला और देन उसने खाना प्राप्त कर लिया। मतलब उसको अचीवमेंट मिल गई, उसने खाना प्राप्त करके अपनी भूख को शांत कर लिया। देन क्या हुआ, उसको अचीवमेंट मिल गई उसके ट्रायल्स के बाद। ठीक है, और उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एरोसल। उसके बाद आ गया आपका, ठीक है, अब दोबारा क्या हुआ, जो आपकी उत्तेजना थी या आपका मोटिवेशन था, जब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लोगे, आपको जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, आपने उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर ली, तो वो क्या होगा, आपका मोटिवेट धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि आपको अब उसकी नीड ही नहीं है। तो इसीलिए
ये था सर्कल ऑफ आपका मोटिवेशन। इसमें फर्स्ट आपकी नीड होनी चाहिए, यानी कि आवश्यकता होनी चाहिए कि आपको किसी लिए मोटिवेट करना है। सेकंड आपका ड्राइव होना चाहिए, यानी कि प्रेरणा मिलना चाहिए, आप ड्राइव में होने चाहिए वो काम करने के लिए। फिर आपको स्टिमुलस दिया जाना चाहिए कि आपको भूख लगी है या किस काम के लिए कोई आपको ऐसा चीज़ आपको दिखाई जाए तो आपकी आप रेडी हो जाओ बिल्कुल काम करने के लिए कि मुझे ये काम करना ही है। जैसे उस बच्चे को क्या था, घुमाने का लालच दिया गया, बिल्ली को खाने का लालच दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल्स को अचीव करने के लिए आप बिहेवियर में आ जाओ, प्रयास करो, ट्राई करो, और फिर क्या होगा, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, देन आप किसी भी चीज़ को अचीव कर लोगे, अचीवमेंट आ जाएगी। फिर रिडक्शन ऑफ वेरोलेंस, तो आपके जो भी मोटिवेशन का ये प्रोसेस था वो वापस रिडक्शन में आ जाएगा, देन आपको उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोटिव्स, मोटिव्स मतलब जो मोटिव्स के टाइप हैं, आपको जो अभी प्रेरणा है वो किन किन रूप में मिल रही है या किन किन चीज़ में मोटिवेट कर रही है, ऐसे कौन से प्रकार हैं जो आपके लिए मोटिव्स हैं जो आपको अभी प्रेरित करेंगे किसी काम को करने के लिए, तो वो टू टाइप्स हैं आपके। फर्स्ट टाइप है आपका जैविक, ओके। अब आप बात करते हैं आपके मोटिव्स की, ठीक है। मोटिव्स आपके कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, यानी कि जो आपको मोटिवेट करने के लिए जो अभी प्रेरक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज जैविक अभी प्रेरक, यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव्स। सेकंड इज मनोसामाजिक अभी प्रेरक, यानी कि साइको सोशल मोटिव्स। अब ये होते क्या है, आपको इनके थ्रू कैसे मोटिव्स मिलते हैं, कैसे अभी प्रेरक मिलते हैं कि आप किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स में क्या होता है कि आपका मेंटल लेवल, आपका आईक्यू लेवल, आपकी सेंसेशन, आपकी सिक्स सेंस, ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं जो आपकी बायोलॉजिकल थ्रू होती हैं, हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके अंदर अपने पेरेंट्स से आती हैं और मतलब आपके शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई ये नहीं कि इंजेक्शन लगा के मैं बाहर से दे दूँ या आपकी पिटाई लगा के आपको बाहर से आपको बायोलॉजिकल मोटिवेट दे दूँ, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो आपके अंदर ही होते हैं। उसमें कैसे, जैसे नॉर्मली आपको भूख लगती है तो आप भूख लगने में क्या करते हो, खाना ही मांगोगे ना। ये तो नहीं कि मुझे भूख लग रही है तो मम्मा पानी पिला दो, वो तो कोई सेंस नहीं हुआ। तो ये चीज़ क्या मैंने सिखाई थी आपको कि भूख लगने पे खाना ही खाते हैं? स्कूल में आपने सीखी थी कि भूख लगने पे पानी नहीं पीते, खाना खाते हैं, ये चीज़ तो आपने नहीं सीखी थी। और जब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं किचन में और आपका हाथ तवे पे गरम पे पड़ जाए या गरम चीज़ लग जाए या नहाते टाइम आपका पानी बहुत गर्म है तो उसमें पानी में हाथ डाल के चेक करते हो गर्म है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, एकदम से हाथ को खींच लेते हो कि गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है। वो क्या, आपकी सिक्स सेंस है वहाँ पे एक्टिव है कि आपको पता होता है। ये चीज़ आपको सिखाई नहीं जाती, आपकी सिक्स सेंस और बायोलॉजिकल मोटिव्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या करते हो, काम करते हो। आपको पता होता है कि जो मेरी सिक्स सेंस है और मेरी सेंसेशंस हैं, मेरी बाकी चीज़ फील करने वाली चीज़ें हैं, टच वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे मुझे कब कैसा रिएक्ट करना है। अब ये तो नहीं है आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया, आप मम्मा से पूछोगे पहले, मम्मा गर्म लग रहा है क्या, मैं हाथ हटा लूँ या नहीं हटाऊँ। तो इसीलिए वहाँ पे क्या, आप किसी से पूछोगे नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको गर्म लगा और आपने हाथ झटक के हटा लिया, ठीक है।
तो ये चीजें क्या हो गई, ये आपके बायोलॉजिकल मोटिव्स हो गए कि वहां पे किसी भी प्रकार का अभिप्रेरक यानी कि अभिप्रेरित किसी काम को करने के लिए आपको बाहर से गाइड नहीं किया जाता, बाहर से सिखाया नहीं जाता, वो आपके अंदर पहले से ही बायोलॉजिकल थ्रू यानी कि हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग जब आप पैदा हुए थे या गॉड ने आपके अंदर जो सिस्टम बनाया है आपका बॉडी का वो ऐसा बनाया है कि आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आता है हमारा मनोसामाजिक अभिप्रेरक यानी कि साइको सोशल मोटिव। अब इसके अंदर क्या होता है, साइको सोशल मोटिव्स वो होते हैं जो आपके सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, मतलब जैसे आपकी अचीवमेंट्स हो गई वो क्या है, आपका एक तरह का मोटिवेशन है। आप आज मान ली आपने जॉब करनी स्टार्ट करी, आज आपने आपको 10,000 रुपये मिल रहे, 10,000 आपकी सैलरी है, आपने मेहनत करी, हार्डवर्क किया बहुत, आपके बॉस ने आपको खुश होके आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करके 15,000 कर दी, तो आपको वो क्या हुआ, आपको मोटिवेशन मिला कि यार मैंने अभी मेहनत स्टार्ट करी है, हार्डवर्क किया और विद इन 2 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स के अंदर मेरे 5,000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो एक तरह का वो मोटिवेशन था कि मुझे अचीवमेंट मिली, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आगे भी उसी दौरान हार्डवर्क करोगे ताकि और आगे अच्छा आप अचीव कर सको, अचीवमेंट मिल सके, सैलरी इंक्रीमेंट हो सके, बाकी फैसिलिटीज़ आपको मिल सके, ठीक है। और जैसे कि सोशल मोटर आपकी पावर में, जैसे आपने वो देखा होगा कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं कि बहुत फैटी होते हैं, टमी फैट होता है, टोन निकल रही होती है, ये वो, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जिम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे उनकी बॉडी शेप में आने लगती है, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का मोटिवेशन है कि बंदे को जब दिख रहा है कि हाँ इस ये चीज़ काम मैं कर रहा हूँ और उसमें मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रही है तो वो उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करेगा, ठीक है। लाइक क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ में जिज्ञासा, आपको वो भी क्या आपका साइकोमोटर मोटिव्स है, अगर आपको किसी टूवर्ड्स मान लीजिए किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जिज्ञासा है जानने के लिए, आपको उससे रिलेटेड एक पॉइंट पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए आप मूवीज़ देखते हो, आपने बाहुबली देखी होगी, ठीक है, बाहुबली Part 1 और Part 2, तो उसमें क्या था, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया था कि पार्ट वन फिनिश हुई थी तो उसमें एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। तो ये जोक भी बन गया था, लोग गूगल पे भी सर्च कर रहे थे एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा फनी मूवमेंट थी। बट वहाँ मैं ये वाला एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी वहाँ पे बढ़ गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, आपकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, आप वेट कर रहे थे कि बाहुबली Part 2 कब आएगी, कब पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। देन आपने जब Part 2 देखी तब आपकी क्यूरियोसिटी शांत हुई कि ओ वो दोनों मतलब बाहुबली को मारा तो फर्स्ट पार्ट में जो था वो उसका बेटा दिखाया गया था, सेकंड पार्ट में स्टोरी बैक जाके स्टार्ट हुई कि वो उसके पिता थे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना क्या है, आंसर मिल गया। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं इस प्रकार का मोटिवेशन कि आपको किसी क्यूरियोसिटी में डाल देना या पावर या आपकी अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यह आपकी साइको सोशल मोटिव्स होते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स ऑफ मोटिव्स पता चल गए आपको कि कितने प्रकार के मोटिव्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोटिव्स होते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन, देखिए दोनों में फर्क है। अब आता है देखिए इन दोनों में फर्क है, कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ मोटिव्स यानी कि अभिप्रेरक, यानी कि जो अभिप्रेरक मिलता है हमें वो किन किन रूप में मिल सकता है, ठीक है। मतलब किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित क्यों हो, या तो वो चीज़ हमारे अंदर नेचुरली है इसीलिए हम अभी प्रेरित हो रहे हैं, इसीलिए मोटिव्स हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, या हमें वो सोशल मीडिया या अपने एनवायरनमेंट के थ्रू मिल रही है इसीलिए हम अभी प्रेरित हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो हो गया मोटिव्स।
उसके बाद आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती है कि आप अभिप्रेरणा किसी को कैसे दे सकते हो, किसी को कैसे मोटिव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे था होना कि हम क्यों होते हैं, बायोलॉजिकली होते हैं और साइकोसोशली होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होना करना, यहाँ पे था होना, यहाँ पे है करना। मोटिवेशन में क्या है, करना, यानी कि आप किसी को अभी प्रेरित कैसे कर रहे हो, कैसे कर सकते हो। आप टू टाइप से कर सकते हो, इसके भी टू टाइप्स हैं कि आप टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या है, कि आप अभी प्रेरणा के दो कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। किसी को आप दो प्रकार से अभी प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टाइप हो गया आपका इंटरनल। ओके, तो टाइप ऑफ मोटिवेशन आपको पता चल गया कि यहाँ पे था होना और यहाँ पे है करना, कि हमें किसी को अभी प्रेरित यानी कि अभी मोटिवेशन मतलब मोटिवेट कैसे करना है। ठीक है, वो टू टाइप से हम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। सेकंड आता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। अब फर्स्ट जो है हमारा इंटरनल, इंटरनल से मतलब आप समझ रहे हैं आंतरिक, यानी कि अपने अंदर से। अगर मैं आपके सामने हूँ और मैं यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, तो शायद मेरा कुछ उसमें बेनिफिट ही होगा ना, तभी तो मैं आपको टीच कर रही हूँ। तो वो क्या है, वो मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। मुझे किसी के थ्रू मोटिवेट नहीं किया गया बाह्य रूप से, यानी कि एक्सटर्नली, कि आप ये काम करो, ये काम करो, आपको ये बेनिफिट होंगे। मैंने खुद ने सोचा कि मेरा इस चीज़ को करने का ये बेनिफिट है कि मेरी रिविज़न होगी, या मैं स्टडीज से कनेक्टेड रहूँगी, या फाइनेंशली मुझे हेल्प होगी, या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका, वो हुआ इंटरनल मोटिवेशन। जब कोई भी बच्चा अपने लिए खुद मोटिवेट होता है, अपने लिए खुद सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मेरे लिए यूज़फुल है, या मेरे लिए ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे लिए यूज़लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि क्लास में क्या होता है, मैम पूछती है कि मॉनिटर किसको बनाया जाए। होता है ना क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर किसको बनाया जाए, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर। तो बच्चे क्या है, जिनको लगता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ, या मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ कि अगर मेरे मॉनिटर अगर बन जाऊँगा तो वो चीज़ मेरी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मेरे टाइम को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो बच्चे क्या है, वहाँ पे खुद मोटिवेट होते हैं कि मैम मैं मॉनिटर बनूंगा, मैं मॉनिटर बनूंगा। तो वहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है, इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वहाँ पे बच्चा खुद बोलता है कि मैम मेरे को नेतृत्व करना है, मेरे को मॉनिटर करना है किसी चीज़ को। जैसे किसी ग्रुप का नेता होता है, लीडर होता है, आप किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, वो अपने आप को फर्स्टली रखता है कि मैम मैं लीडर बनूंगा। क्यों, क्योंकि वो समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, मेरा डिसिप्लिन मेंटेन मुझे कैसे करना है, मेरे अंदर लीडरशिप की भावना है, मैं सबको लेकर चल सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी स्टडीज़ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, मेरे टाइम में या मेरे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। वो क्या होता है, वो इंटरनल मोटिवेट होता है। वो आपने बाहर से तो बच्चे को मोटिवेट नहीं किया ना। सेकंड टाइप आता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाह्य मोटिवेशन। जब आप किसी काम को करने के लिए बच्चे को बाह्य रूप से यानी कि एक्सटर्नली मोटिवेट करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करके कि बच्चा उस काम को करने के लिए अभी प्रेरित हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलो कि क्लास में कि बच्चे मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन लेगा, जो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अच्छा, और हम लोग हाफ़ ईयरली मॉनिटर रखेंगे या उसके बाद चेंज करेंगे, तो दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन अच्छा मॉनिटर रहा, किसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई, कौन डिसिप्लिन रहा और किसका टीचिंग पे या उसके लर्निंग पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, स्टडीज़ पे या एकेडमिकली, तो उसको ट्रॉफ़ी दी जाएगी। तो क्या किया आपने, वो ट्रॉफ़ी के नाम से बाह्य रूप से आपने बच्चे को मोटिवेट कर दिया। अब क्या होगा, जो बच्चे के अंदर लीडरशिप की भावना ही नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है ना, वो भी मोटिवेट हो जाएगा। वो क्या सोचेगा, ओ मैम क्या बोल रही हैं कि मॉनिटर बनेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और ये सारे अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें क्या है
बेस्ट अवार्ड मिल सकता है, टीचिंग मतलब मैम तारीफ़ करेगी या ट्रॉफ़ी मिल सकती है, तो मेरी भी वाहवाही होगी, ये सब होगा, मैं घर पे दिखाऊंगा कि देखो मैं बेस्ट लीडर हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जिसके अंदर ये भावनाएं नहीं होंगी, उसके थ्रू ट्रॉफ़ी और ये सब चीज़ें, रिगार्ड्स और रिवॉर्ड्स सुन के बच्चे क्या होंगे, खुद बाह्य रूप से यानी कि एक्सटर्नली मोटिवेट हो जाएंगे आपके सामने, वो बच्चे भी हाथ खड़ा करेंगे कि मैम मुझे भी मॉनिटर बनना है, मुझे भी मॉनिटर बनना है। वो अपने आप में बिहेवियर चेंज करेंगे, वो अपने आप में खुद सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं अपने आप को ऐसा बनाऊँगा, डिसिप्लिन बनूँगा और पढ़ाई अच्छे से करूँगा, ताकि मेरे मॉनिटरशिप में भी और जो मेरी स्टडीज़ में है दोनों में डिफरेंसेस ना आ जाए और मैं अकेडमिकली ज़ीरो ना हो जाऊँ, सिर्फ मॉनिटरशिप में ना रह जाऊँ। तो उससे क्या किया, अपने बच्चे को एक्सटर्नली रिवॉर्ड्स के थ्रू मोटिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे मोटिवेशन के, कि टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, आप किसी को भी किसके थ्रू मोटिवेट कर सकते हो, एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, दो टाइप्स से मोटिवेट कर सकते हो आप। नाउ अब बात करते हैं रोल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का क्या रोल है, क्या उसका अभिप्रेरणा का कार्य है, मोटिवेशन क्यों करना चाहिए, कार्य क्या है। तो पहली बात, प्रेरणा छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, मतलब बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाती है मोटिवेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बिल्कुल रिसेंटली कि अगर आप वहाँ पे रिवॉर्ड्स और ये सब रख दोगे कि ट्रॉफ़ी मिलेगी जो लीडरशिप करेगा ये वो, तो बच्चे ने वहाँ पे उस कंडीशन में क्या किया, अपने बिहेवियर में चेंज कर लिया, कि जो बच्चा वैसा नहीं भी है वो सोचेगा कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ज़बरदस्ती कि मैं करूँगा करूँगा, और वो आज नहीं तो कल को अपने बिहेवियर में चेंज करके बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है, मतलब प्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए। प्रेरणा हमारे शरीर में एक उत्तेजना का काम करती है, जब हम उत्तेजित होते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं, हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतनी अभी प्रेरणा बढ़ती है। देखिए, अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने सर्कल आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें ड्राइव बताया था, ठीक है, उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस बताया था। जब आप अभिप्रेरणा दोगे, किसी को मोटिवेट करोगे ना किसी काम को करने के लिए, तो जितनी उसकी क्रियोसिटी या स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा ना, बच्चा उतना ज़्यादा क्रियोसिटी बढ़ेगी बच्चे की, कि किसी काम को लेके वो उत्तेजित होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है करना है करना है। तो जितनी ज़्यादा आप स्टिमुलस बढ़ाओगे उतने ज़्यादा बच्चे की क्रियोसिटी बढ़ेगी, और जब ज़्यादा जाकर वो जब जाके उसको अचीव कर लेगा तब धीरे धीरे उसकी क्रियोसिटी डाउन होती जाएगी, तब उसका मोटिवेशन लो होता जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप एज अ टीचर कभी भी बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक में उसका ऐसा सस्पेंस या क्रियोसिटी बढ़ाते रहें, ताकि वो जानने के लिए उत्तेजित हो, क्रियोसिटी बढ़ेगी ये क्यों हुआ कैसे हुआ। अगर ये वाली कंडीशंस नहीं होंगी ना तो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे का जितना ज़्यादा स्ट्यूमलेस क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा क्या है, बच्चे का क्रियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव होगी और बच्चे के लिए लर्निंग इफेक्टिव होगी, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है, प्रेरक हमारे व्यवहार को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव बना देता है, मतलब अगर आप मोटिवेशन दे रहे हैं ना किसी बच्चे को, तो वो क्या है, उसको पॉजिटिव बना देता है, कभी भी बच्चा वहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो एक बार ट्राई कर रहा है उसको समझने के लिए, दो बार ट्राई कर रहा है, तीन बार कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है, तो बच्चा क्या है वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा कि अब तो छोड़ इसको करना ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, स्किप करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन में आप बच्चे को मोटिवेट कर दोगे कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है, देखो ट्राई करो आपसे होगी, आप थोड़ा इस स्टाइल से कर रहे हो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस स्टाइल से करो, तो बच्चा क्या सोचेगा, शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने इस फॉर्मूले से किया
गया, शॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो चलो मैम बता रही है इससे करके देखता हूँ। और उस कंडीशन में अगर वो सॉल्व हो जाता है तो बच्चा हर बार क्या होगा, मोटिवेट होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और एक टेक्निक से किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके दिमाग में आएगा इससे नहीं तो सेकंड वाली पॉइंट से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे के लिए हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा कि इसको छोड़ के अगले स्टेप पर स्किप कर जाए। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा, ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति की सहायता करता है। सीधी सी बात है, अगर आपकी टीचिंग बोरिंग हो रही है, लर्निंग बोरिंग हो रही है और आप बच्चों को रिवॉर्ड्स देने लगते हो या इस रूप में मोटिवेट करते हो कि मैं क्लैपिंग करवाऊंगी, चॉकलेट दूंगी, तो आपने क्या किया, उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, खींच लिया, या फिर आपकी टीचिंग लर्निंग थोड़ी बोरिंग हो गई, आपने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया अपनी टीचिंग लर्निंग से कि ताकि टीचिंग भी हो जाए और क्लासरूम जो लर्निंग है आपकी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। तो आपने क्या किया, बच्चे का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लिया, पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ कर लिया। तो इसलिए बच्चे का ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है, बच्चा फिर किसी भी और कंडीशन में भटकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, प्रेरणा हमारे व्यवहार में लगातार चलती रहती है और यह हमारे काम की क्षमता बढ़ा सकती है। मतलब अगर आपको मोटिवेशन दिया जाए, टाइम टू टाइम मोटिवेट आपको किया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, तो आप उतना ही ज़्यादा काम करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि आपको एक मतलब एक टाइम में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक घंटा है, ठीक है, और मैंने आपको 1000 candles दे दी जलाने के लिए, ठीक है, कि आप एक घंटे में 1000 candles या 500 candles जला के दिखाओ मुझे, ठीक है। बच्चा सोचेगा ओ ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कैसे जलाऊं, उसने जलाई नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे आप मोटिवेशन डाल दोगे तो उसको ये जो टाइम लिमिट है और ये जो 500 candles है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ, आपने एक टाइम लिमिट दे दिया कि 2 घंटे में आपको ये जलानी है, 500 candles है, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, उसकी क्वांटिटी देख के और टाइम लिमिट देख के क्या है, नर्वस हो जाएगा, तो वो पहले ही नेगेटिव थॉट लेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन आप उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, उसकी काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हो कि वो एक्टिव हो गया और काम कर रहे, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपके पास इतना टाइम है और आपको 500 कैंडल्स जलानी है, अगर इसमें से आपने मान लो 100-200 भी जला दी तो आपको ये चीज़ मिलेगी, और मान लो 500 भी जला दी तो आपको उससे ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी, मतलब आप रिवॉर्ड्स बढ़ा सकते हो। तो बच्चा क्या करेगा कि एक कॉम्पिटिशन लेवल, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि देखो अब तो मैं मैम 500 ही जलाऊंगा, 200 नहीं पूरी 500 कैंडल्स जला दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को ना क्वांटिटी दिखी, ना टाइम लिमिट दिखी, उसको सिर्फ रिवॉर्ड्स, यानी कि रिवॉर्ड देखे, मोटिवेशन दिखा कि उसको वो चीज़ अचीव करनी है, तो उसने क्या किया, अपने काम करने की स्पीड बढ़ा दी कि वो फटाफट जलाएगा, उतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से आप मोटिवेशन के थ्रू किसी भी काम करने की, किसी की एनर्जी को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो, क्षमता बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मोटिवेशन का टॉपिक, अभी फिनिश नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड काफ़ी सब पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो इस वाली क्लास के अंदर यही फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मोटिवेशन क्या होता है कि किसी भी काम के लिए खुद को रेडी करना या अभी प्रेरित करना, क्रियोसिटी होना, क्रियोसिटी आपके अंदर डेवलप करना, वो चीज़ होती है मोटिवेशन, किसी चीज़ के बारे में जागना या जिज्ञासा प्रेरित करना या रेडी होना, ठीक है। अब 2 टाइप ऑफ मोटिव्स बताए थे मैंने आपको, जिसमें एक था आपका बायोलॉजिकल और सेकंड था आपका साइकोमोटर। बायोलॉजिकल आपका सेंसेशन और आपको हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग मिलता है, किसी काम को आपको बाहर से सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली आप करते हैं। और सेकंड आ गया आपका साइकोसोशल, जिसमें आपको बाहर से अभिप्रेरणा दी जाती है, जैसे आपका इनकम में इंक्रीमेंट हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, रिवॉर्ड्स मिल गए, या कोई भी कि आप किसी पोस्ट पर हो उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे आ गए टाइप ऑफ मोटिवेशन, कि किसी को आप कैसे अभी प्रेरित कर सकते हो, किसी काम को इंटरनली और एक्सटर्नली कर सकते हो। इंटरनली हो गया कि अंदर से बच्चा जब अपने लिए खुद अभी प्रेरणा को जागृत करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, ठीक है, अपने आप को शो करता है। और एक्सटर्नली क्या होता है, जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए थोड़ा नर्वस होता है या किसी चीज़, लेकिन आप वहाँ पे रिवॉर्ड्स और कोई चीज़ ऐड कर देते हो तो बच्चा वहाँ पे सोचता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है।
ये था हमारा मोटिवेशन का टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, अभी सेकंड क्लास में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नॉन टेक्निकल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने जिनको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।